कोई चार दिन थारे साथे की मुंगो, कोई चार दिन थारा 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 साथे की मुंगो। ना कर रहे, अरे नहीं 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 नहीं, आखिर में जब पैसे का कहा तो अरे तुम्हें बैठ बैठ बिठा लिया, एक पल में नगर अंजार छोड़ दिया महाराज, वो टूटी गाड़ी विमान बना दी परमात्मा ने और छोड़ दिया। ताजुब की बात मैंने इसलिए ये बताया कि जहां नजर नगर अंजार के गोहिरे गया, भगवान अंतर ध्यान हुआ, वापस टूटी गाड़ी ने उज बेन ने भी सुदास ने सब ऐसा कैसी लीला है बताइए, इतनी दूर तक भगवान ने सब कुछ सुख दे दिया और वहां जाकर के फिर वापस ये तो महाराज जहां उनको ठहराया, अच्छा महल में ठहराना था तो नारायण देवल ने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा महल लायक जजमा अपना रिश्तेदार नहीं है, ऐसी टूटी फूटी जगह खराब जगह में ठहराया जहां पर बहुत कोई पवित्रता नहीं है, बेरान पड़ा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि जिस मकान में यदि कोई साल भर से नहीं रह रहा है उसमें किसी को एकदम नहीं ठहराना चाहिए। भारे बहुत सारा लोग के गया ठहरो, नया नया मकान बना ने ठहरो, मैंने कहा वास्तु पूजा नहीं हुई, आप रह नहीं रहे मुझे क्यों ठहरा रहे। एक साल भर तक यदि मान लीजिए उसमें कोई नहीं रह रहा है तो वो उचित नहीं है, और जिस मकान की वास्तु पूजा हो जाए, जहाँ कलश रखा जाए, पूजन करा दिया जाए, आसपास वास्तु की पूजा हो जाए, उसके बाद में वो मकान सूना नहीं रहना चाहिए, वहाँ कोई न कोई एक न एक रोज सोना चाहिए, और यदि नहीं सोया तो तीन दिन के बाद में प्रेत आत्माओं का वहां वास हो जाएगा। कितनी बारीकी वाली बात है कि बहुत सारे लोग वास्तु करवा ले तो मकान सुना छोड़ दे। अरे वास्तु जब कराओ जब आपको रहना है, नहीं रहना है तो मत कराओ, पड़े रहने दो, खाली में कोई कुछ नहीं होगा, पर पूजा होने के बाद में सुना नहीं रहता। जिस मकान में कोई नहीं रहता, बारीकी वाली भी शास्त्रों में लिखी हुई है, आपको तो वैसे जानकारी है ही से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। भगवान बड़े दयानिधि है, जब उसको याद करेंगे भाव से तो बारे में जब चर्चा आई, 12 साल के बाद में भी वो बाहर नहीं आ रहे, मायापति को बुलाया गया, भगवान कृष्ण को याद किया, प्रकट हुए और कहा गया व्यास जी महाराज ने कि प्रभु ये अंदर से आत्मा ऐसा बोल रही है कि माया नहीं व्यापे तो मैं बाहर आऊं। गोविंद ने कहा कि आप तो जानते ही हैं, आप मेरे ही अवतार हैं, मेरी माया शिव ब्रह्मा तक छाई हुई है, ब्रह्मलोक तक मेरी माया है, ऐसा हो नहीं सकता है, पर फिर भी इसने अमर कथा सुनी है, भागवत कथा सुनी है, भगवान शिव का कलश भी नहीं है तो वो अपमान सहन नहीं कर पाई। सती को बड़ा दुख हुआ कि अब इस धरती पर जीना उचित नहीं है, मेरा अपमान भले किया ठीक नहीं लेकिन मेरे स्वामी का अपमान कर दिया मेरे पिता ने, तो बहुत दुर्वचन भी कहा है पिता को, तुम्हारे यहाँ मेरा उत्पन्न होना, मेरा जन्म होना ये सब धिक्कार है, आपने मेरी स्वामी का अपमान किया। सती बहुत कुछ बोली है कथाओं में, तो आखिर में विचार किया कि अब जिंदा नहीं रहना है, मरना चाहा, पर सती के मन में विवेक आया कि मैं ऐसे नहीं मरूंगी, अकाल मृत्यु हो जाएगा तो भी ठीक नहीं, तो सती ने बहुत बड़ी होशियारी की है। देखिए कथा में बहुत ध्यान देना है, सती मरना चाह रही है यज्ञशाला में, अकाल मृत्यु मानी जा रही है वो, लेकिन उसके पहले वो क्या कर रही है कि सती मरने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण किया, और सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हे मंदिर गृह जाई, ते ही
भगवान विष्णु से एक वरदान मांग लिया है कि प्रभु मैं जहाँ भी जन्म हो शिव के चरणों में मेरा अनुराग रहे। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नान। ये मांग लिया है सती व्रत हरि सर्वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और उसी कारण सती का शरीर छूटा, फिर पार्वती के रूप में हिमांचल राजा के मेना के यहाँ जन्म हुआ, फिर भगवान शिव से शादी होगा, उसके बाद सती का कभी मरण नहीं होगा। पार्वती अकाल और ये अजर अमर हो गई है, पार्वती का कभी नाश नहीं होगा। सती मरी है अभी तक, भोले बाबा के गले में जितने मुंडों की माला है उतनी बार सती ने और पार्वती ने भगवान की कथा मांगी कि प्रभु मुझे भगवान की कथा सुनाओ। तो जैसे ही राम कथा के बारे में पार्वती ने बताया, अभी तक तो इतने जन्मों में नहीं बताया, और आज बताया कि प्रभु राम कथा सुनाओ। राम कथा का कहते ही भगवान शिव नाच उठे थे, ऐसा पुराणों में बताया कि धन्य धन्य ओ गिरिराज कुमारी तुम समान को नहीं उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछेऊ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। को क्यों नमस्कार करूं, इस अहंकार के कारण सती का बार बार मरण हुआ है, और पार्वती के समय में वह अहंकार खत्म हुआ। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, वो सारे लोक को पावन करने वाली हरि कथा को पूछा तो भगवान शिव मस्त हो गए, और फिर ये अमर कथा पार्वती को सुनाई। पार्वती सज्जनों माता बहनों अमर हो गई, कभी भी नाश नहीं होगा, अविनाशी हो गए। इसलिए यही तो पापड़ बेल रहा हूँ, तीन दिन से यही तो बता रहा हूँ, भगवान का स्मरण करो, नाम लो, आप सुखी हो जाएंगे, सारा पाप नष्ट हो जाएगा, भव सागर पार हो जाएंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि हो गए वो से पार लेकर नाम तेरा, हो गए वो से पार लेकर नाम